बेटे को हाथ लगाने से पहले मासी, 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 बाप से बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान तबाही मचा रहा है हर दिन। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को न कि सिर्फ तोड़ रहा है बल्कि उन्हें अलग ही अंदाज में अपने नाम भी कर रहा है। जैसे कल डे 3 में पहले और दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था अपने ही फिल्म के जवान के। इसी के साथ परसों डे 2 में मॉर्निंग और आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी रेट थी उसे सेम डे में ही नाइट की ऑक्यूपेंसी रेट से बीट डाउन कर दिया था, वो भी 20% ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट के साथ। इसी के साथ कल शानदार 3 दिन कंप्लीट करके आज चौथे दिन में जो तबाही मचा रहा है भाई, आज मुझे लग रहा है बाहुबली 2, KGF 2, RRR जैसी बड़ी बड़ी जाइंट फिल्मों को ओपनिंग डे रिकॉर्ड को ना खदेड़ दे कहीं सिंगल डे में सिर्फ इंडिया से ह्यूज कलेक्शन के मामले में और हिंदी कलेक्शन के मामले में। वैसे हिंदी कलेक्शन के मामले में तो ये रोज सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को धड़ल्ले से तोड़ भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी दोस्तों, आज संडे है और इसका फुल एडवांटेज मूवी को मिलेगा और ये एडवांटेज ले भी रही है। सुबह से ही ऐसी तबाही देखने को मिल रही है थिएटर हाउस में और उसके बाहर भाई साहब अमेजिंग। कुछ जगह बारिश भी हो रही है आज, लेकिन फैंस को ना आओ सूझ रहा है ना ताओ, बस जवान ही जवान दिख रहा है। तो आज बात करेंगे अभी तक जवान ने कितनी कमाई कर ली है, आज चौथे दिन में कैसी ग्रोथ चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है जवान, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जवान मूवी से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंटेंट इज सुपर अमेजिंग, आपको मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें से संजय दत्त बिग फेस हैं और ये अनएक्सपेक्टेड भी थे। इसी के साथ SRK के मल्टीपल रोल देखने को मिलेंगे और हर रोल पर जितना फिट बैठना था अमेजिंग फिट बैठे हैं। चीज को बड़े ध्यान से बारीकी से करेक्शन में लाए और रिप्रेजेंट भी किया, जबरदस्त सारे करेक्टर पकड़े हैं। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, नयनतारा और दीपिका ने भी जबरदस्त कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है SRK के साथ, सुपर अमेजिंग। उसके बाद प्रियमणि और सानिया मल्होत्रा ने भी जबरदस्त किरदार निभाया है और विलेन के रूप में मैं फिर कहूंगा विलेन इज सुपर अमेजिंग। विजय सेतुपति उर्फ काली, व्हाट अ कैरेक्टर डिजाइनिंग बाय अटली कुमार, और उसके बाद उस कैरेक्टर में इतनी जान भर देना, अमेजिंग एक्टर, सॉलिड परफॉर्मेंस, ऑल्सो फेबुलस वर्क डन बाय हिम। और डायरेक्शन बाय अटली कुमारी सुपर फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त काम किया है। साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वही मजेदार भी लगा। मूवी को एच पैन इंडिया रिलीज कराया गया है और मूवी ने पहले ही दिन से धमाका काट रखा है बाय गॉड। देखो ऐसा होता है ना कि मास मसाला फिल्मों में अक्सर स्टोरी लाइन पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, लेकिन जवान में स्टोरी इज द मेन पार्ट। शायद अगर ऐसी स्टोरी लाइन ना होती तो जवान को ऐसा धड़ल्ला वाला रेस्पॉन्स देखने को ना मिलता। सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर बात उठाई गई है, करेक्शन पर बात उठाई गई है, ऐसे सोशल मुद्दों की हार्श रियलिटी को बहुत ही सूझबूझ से बारीकी से फील करा के दिखाया गया है। कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों का लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक किसान छोटे मोटे लोन्स में भी उलझा के रखा जाता है, मतलब गरीबों को लूटा जाता है, नोचा जाता है। तो ऐसे सोशल मुद्दों पर बात उठाई गई है। सो दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस मूवी, फुल मसालेदार एंटरटेनमेंट के साथ साथ इतने बड़े बड़े मुद्दों को हमारे सामने एक सॉलिड ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया है अटली ने। बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूं, अगर अटली ना होता तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती, क्योंकि मास मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं पर जवान जैसी मास मसाला एंटरटेनमेंट थ्रिलर नहीं देखी थी। जी हां दोस्तों, SRK के मेन लीड में अटली कुमार के डायरेक्शन में लगभग 300 करोड़ के टोटल खर्चे पर इस मूवी को कंप्लीट करा गया है, जिसने हिंदी तमिल और तेलुगु से इंडिया में 5,500 स्क्रीन दी गई थी पहले दिन में और ओवरसीज से 4,000 स्क्रीन, तो पूरी दुनिया से 10,500 स्क्रीन पर मूवी को रिलीज कराया गया था अपने पहले दिन में। बात करते हैं फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन कितना किया। फर्स्ट डे में हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस रही, इन इंडिया हिंदी से बाय गॉड 65.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और तमिल और तेलुगु से 9 करोड़ का कलेक्शन रहा अपने पहले दिन में। तो टोटल तीनों लैंग्वेज को मिलाकर फर्स्ट डे नेट इंडियन कलेक्शन 74.5 करोड़ टच करा था मूवी ने। इसी के साथ इस साल की जायंट फिल्म पठान के डे 1 के रिकॉर्ड को खदेड़ा बहुत ही सॉलिड तरीके से, साथ में हिंदी से डे 1 के KGF 2 के रिकॉर्ड को भी खदेड़ा, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी खदेड़ा और RRR के रिकॉर्ड को भी खदेड़ा। तो हिंदी में नंबर 1 पर जवान आ चुकी है फर्स्ट डे पर। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन बना फर्स्ट डे का 90 करोड़, ओवरसीज से आया 40 करोड़, तो टोटल कितना आता है डे 1 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लगभग 130 करोड़ के आंकड़े के आसपास। इसी के साथ मूवी को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिलने के साथ साथ डे 2 में भी धमाकेदार ग्रोथ करी। तो फ्राइडे वर्किंग डे होने के बाद पहले तो सुबह डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन आफ्टर इवनिंग जो ग्रोथ देखने को मिली है हाउसफुल सोच के साथ,
ऑसम था, धमाकेदार सिनेरियो था। तो हिंदी से सेकंड डे में 47 करोड़ का कलेक्शन करते हुए मूवी ने तमिल और तेलुगु में भी अच्छी कमाई करी और तीनों लैंग्वेज का कलेक्शन मिलाकर सेकंड डे पे 55 करोड़ के आसपास टच किया था नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से। ग्रॉस कलेक्शन सेकंड डे 70 करोड़ का रहा था और पूरी दुनिया से ये मूवी 107 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल रही थी अपने सेकंड डे पे। इसी के साथ पहले दो दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 130 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। पूरी दुनिया से पहले दो दिन में 237 करोड़ के आंकड़े को आराम से अपने खाते में रख लिया था। तो ये जो जवान की पहले दो दिन की जो कलेक्शन थी, ये नॉर्मली बॉलीवुड मूवी की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी होती है और कुछ तो 100 करोड़ क्रॉस भी नहीं कर पाती। जैसे रिसेंटली हमने अक्षय पाजी की सेल्फी मूवी देखी थी और रणवीर सिंह की सर्कस देखी थी जो 100 करोड़ भी क्रॉस करने में असफल रही थी। बात करें कल यानी डे 3 में कैसी ग्रोथ रही, दोस्तों अमेजिंग ग्रोथ रही। कल तो अपने पहले और दूसरे दोनों दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ दिया मूवी ने। जी हां दोस्तों, सिर्फ हिंदी से 70 करोड़ के आंकड़े को टच किया है मूवी ने। डे 3 के टोटल कलेक्शन बहुत फ्लेक्सिबल है, अभी फुल डे ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर जैसे ही डे 3 की ऑफिशियल अपडेट आ जाती है पूरी दिन की, सुबह से लेकर नाइट तक की, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी डे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिपोर्ट को डिटेल टू डिटेल चेक करते हुए। इसी के साथ तमिल और तेलुगु से मिलाकर मूवी ने कल डे 3 में 76 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है। ग्रॉस कलेक्शन डे 3 का रहा है 92 करोड़ के आसपास और ओवरसीज से 45 करोड़ का होल्ड करते हुए पूरी दुनिया से डे 3 में 135 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल रही। जहां दोस्तों इंडिया सहित पूरी दुनिया में हाउसफुल का बैनर लगाकर जवान लगातार आगे बढ़ रही है और गदर 2 के फर्स्ट वीक कलेक्शन के पहले 3 ही दिनों के कलेक्शन से खदेड़ दिया है, बीट डाउन कर दिया है। बात करें आज यानी डे 4 यानी आज चौथे दिन में कैसी ग्रोथ है, आज संडे में कैसी ग्रोथ है, तो आज सुपर धमाकेदार धमाका तबाही मचाते हुए ग्रोथ करते दिख रही है मूवी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एडवांस से आज 42 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है और मॉर्निंग से ही नाइट तक ऑल ओवर इंडिया में लगभग 80% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ फुल हाउसफुल शोज देते हुए, मोस्टली इवनिंग से नाइट में जो फुल हाउसफुल शो चल रहे हैं, देश के हर एक कोने कोने में फुल हाउसफुल शो चल रहे हैं और आज एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया कलेक्शन से हिंदी, तमिल और तेलुगु को मिलाकर 80 करोड़ के आंकड़े को टच करते हुए दिख रही है मूवी। इसी के साथ आज एंड ऑफ द डे तक पहले 3 दिन में ही नेट इंडिया से 273 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी मूवी और पूरी दुनिया से आज भी एंड ऑफ द डे तक लगभग 140 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आ रही है मूवी, जो पहले तीनों दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खदेड़ता है सिंगल डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को। और एंड ऑफ द डे तक पहले 3 दिन में ही पूरी दुनिया से ये मूवी आज 510 करोड़ के आंकड़े को आज अपने नाम करते दिखेगी। हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड की किसी भी मूवी ने इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं करी अपने चौथे दिन तक। तो लगातार जो हर दिन अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है और अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसी के साथ हिंदी मूवी में आज का संडे जैसी कमाई कोई भी मूवी आगे ना करते हुए दिखेगी और ना दिख रही है। इसी के साथ पठान के सारे रिकॉर्ड जवान ने तोड़ दिए हैं, साथ ही आज डे 4 में बाहुबली 2 और KGF 2 और RRR के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नजर आएगी हिंदी कलेक्शन के मामले में और इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो अब आप लोग बताएंगे ऐसे में जवान टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है, क्या 1500 करोड़ के आंकड़े को टच कर सकती है या नहीं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स पर। तो जिस हिसाब की ग्रोथ है डेफिनेटली कर सकती है एक बार के लिए मैं कहूंगा, लेकिन ये आप लोग बताएंगे कि आपकी क्या राय है। तो इसी के साथ ये भी बताएंगे कि 10 दिन के अंदर क्या 1000 करोड़ क्रॉस करते नजर आएगी मूवी, हाँ या ना, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।